संभल जनपद के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में तहसील के पास नाले में मिला जारई निवासी सैलून मालिक युवक का शव। 3 दिन से लापता था सैलून स्वामी युवक। कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा। झगड़े के बाद से लापता था युवक। परिजनों के मुताबिक लीलाधर ने घर पर आकर बताया कि पप्पू का झगड़ा हो गया है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। जब हम वापस लीलाधर को लेकर पहुँचे तो हमने उससे पूछा कि कहाँ झगड़ा हुआ, तो उसने नाले की तरफ इशारा करके बताया कि यहाँ पर जब हमने नाले में सरिया डालकर देखा तो शव तैर कर ऊपर आ गया। ये जो बॉडी निकली नाले में, ये कौन है आपके भैया? क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या मामला है? कुछ नहीं, बस दुकान पे आए थे सुबह के लिए, शाम के लिए बस एक लड़का और मिला था साथ में, तो पता ना पीने खा पीने खाते हैं ना। फिर हमने देखा था सुबह को, एक दूसरे उन्होंने बताया था उसे ही लड़के को मारा था, इन्हें भी मारा था, काफी को बता रहा था। किसने मारा था पता ना, ये तो नहीं पता किसने मारा था। कौन बता रहा था, किसने देखा? दूसरा एक और था गाँव का, उसने बताया था। कब बताया था आपको? सुबह को 9 बजे बताया था। आज नहीं, 9 बजे। अच्छा, फिर आपने कोई इसकी सुनवाई नहीं की, कार्रवाई नहीं की? करी थी कंप्लेंट शाम को, शाम तक हमने सबने देखा। कंप्लेंट कहाँ की थी आपने? कोतवाली चंदोसी ही। अच्छा, फिर क्या हुआ? कोतवाली देने के बाद हमने सब तरफ देखा था। फिर सुबह को आके फिर हमने ट्राई करा था नाले में, उस जगह पे लड़ाई हुई थी ना, फिर हमने सुबह को आके देखा था। आने के बाद देखा था सब तरफ, फिर उनके भैया साले वाले हैं लेकर आए थे सरिया वगैरह, तो हम सरिया से देखने लगे तो सरिया से ऊपर आ गए। नाले के अंदर थे? किस पे शक है आपको? शक तो हमारे पास किसी का नहीं, पहले तो हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। लेकिन जिसने मारते हुए देखा, जिस गांव वाले ने, वो तो पहचान लेगा? उसे खुद होश नहीं है। उसको ही पीटा था? हाँ, फिर उसकी तो आंख वाख पूरा मुंह सोया। वो कहाँ है इस समय? घर पे, ये गांव में। इलाज कहाँ चल रहा था उसका? इलाज का नहीं पता, इलाज का नहीं चल रहा। क्या नाम था इनका जो ये खत्म हुए? पप्पू। कहाँ रहते हैं? ये जो बॉडी मिली है तहसील के पास नाले में, ये क्या है मामला? सर ये लड़का ना था। कौन लड़का है? नीलम। कहाँ का है वो? कस्बे का ही है। आपके गांव का जी। क्या बताया उसने? पापा ही नहीं, मम्मी की नहीं आई, तो फिर मैंने मम्मी से भी आएंगे, पापा नहीं आई, तो वो ऐसे जाएंगे साथ में। मम्मी कही चलो कोई नहीं आया हूँ सर। उसने बताया था मारा पीटा इनको? हाँ बताया था। कौन लोग थे जिन्होंने मारा पीटा, पता लगा? नहीं सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर तो बस यहाँ पे हम बुनने गया था, तो हम वहाँ पीटी थी, तो हम उससे लेकर आई थी घाप हुआ था, तो वहाँ पर रुके, तो वहाँ पर हम एक बार देख गए घर में, फिर चले घर पर चलाएंगे इस टाइम में, मतलब फॉर्मल क्या इस वे टाइम में जो हमारे फाइल छुपा है, हमने कहा था चलो बच्चों उठ के देखते हैं। फिर हम लोग हमारे मामू खामू हमारे छुट्टी इन सब निकलने के बाद में, फिर उसके बाद में हमने देखे सब में देख कैसे ले गए, फिर मामू हमारे वो लेकर आई साइड में सरिया, सरिया से टटोले नाले के अंदर उल्टे हुए। अच्छा, लहाज इनके ऊपर को आ गई पानी में, तो आप लोगों ने कोई थाने में भी तहरीर दी थी? हाँ सर, दी थी। किस चीज़ की? मतलब गुमसुम होने की, गुमसुम की जी सर। तो आज आपको सूचना मिली कि नाले में कोई लहाज है, तो आपने जाके देखे वहाँ पे? हाँ सर। ठीक, आज चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में नाले में एक डेड बॉडी पाई गई, इसमें क्या कहना है सर? पप्पू सर बोलू जो रहने वाला मोहम्मद नगर कस्बा खुद का रहने वाला है, जिसकी डेड बॉडी UP 100 को सूचना मिली थी, उस सूचना पर आई पुलिस ने प्राप्त किया है, परिजनों को तस्दीक कराया गया, परिजन तस्दीक की, इसके बाद डेड बॉडी को PM में नौसरी भी दिया गया है।